हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बाबा फैब्रिकेटर्स में। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि बहुत से लोगों को ऐसे हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन उसको बिज़नेस का आइडिया नहीं मिल पाता है, जिसमें हम आपको ऐसे बिज़नेस के बारे में बताएंगे जिसमें कम पूंजी कम लागत में आपका अच्छा प्रॉफिट के साथ आप बिज़नेस कर सकते हैं। जी हाँ, अच्छे प्रॉफिट के साथ बिज़नेस कर सकते हैं। तो बात किया जाए आप किस बिज़नेस में अच्छे प्रॉफिट कर सकते हैं, तो मैंने आपके लिए एक स्पेशल बिज़नेस लाया है, वो है गेट ग्रिल का बिज़नेस, मतलब फैब्रिकेशन लाइन का बिज़नेस। जी हाँ, फैब्रिकेशन लाइन का बिज़नेस, इसमें आप अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले आपका गांव देहात बाज़ार में आपका छोटा सा अगर ज़मीन है तो वहां पे आप एक दुकान खोल लीजिए, और उसमें आपको करना क्या है कि वहां पर आप बिजली लाइन मंगा लीजिए, मतलब बिजली जोड़ लीजिए। अगर बिजली नहीं जोड़ेंगे तो आप जनरेटर के थ्रू भी काम कर सकते हैं। जी हाँ, जनरेटर के थ्रू भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपका कम कॉस्ट में करना है तो बिजली ज़रूर ले लीजिएगा। जी हाँ, बिजली लीजिएगा। उसमें आपको करना क्या है, आपको एक कारीगर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो कारीगर का रहना ज़रूरी है ताकि वो काम कर सके। ऐसा होता है इसमें कि आप ये काम बहुत ज़रूरी है, फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि बहुत से गांव देहातों में घर बनते हैं, और घर बनने के लिए उनको क्या चाहिए, खिड़की दरवाजे बनाने के लिए दुकानें की आवश्यकता होती है जहाँ पे वो बना सकते हैं। तो ऐसी दुकानों की बाज़ार में है, लेकिन आप चाहे तो इसको खोल के कर सकते हैं ताकि आपके पास भी ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा है। जी हाँ, ऐसे जगह आप दुकान खोलें जहाँ पर आप क्या कर सकें, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो, मतलब पब्लिक ज़्यादा हो, जहाँ पर घर ज़्यादा बन रहे हैं, ऐसे जगह खोजें जहाँ बेहतर हो आपके लिए। जी हाँ, तो आपके लिए इसके में करना क्या है कि आपको तो सबसे पहले एक कारीगर चाहिए। जी हाँ, एक कारीगर जो अच्छा से अच्छा काम कर सके, उसके साथ एक हेल्पर ले सकते हैं या फिर आप खुद कारीगर है तो और बड़ी बढ़िया बात है। उसके बाद आपको चाहिए क्या, एक जनरेटर चाहिए, उसके बाद एक वेल्डिंग मशीन चाहिए, एक ग्राइंडिंग मशीन चाहिए, और अगर ज़्यादा बड़ा बड़ा काम करना है तो ऊपर ड्रिल मशीन भी रहना ज़रूरी है। ये सब लागत आपको कम से कम, इसके साथ साथ छोटे छोटे और भी मशीन हो जो आपको चाहिए, लेकिन ये सब लागत अगर आप जोड़ा जाए तो मात्र 50 से 60 हज़ार रुपये में ये सब आपके सामने आ जाएंगे, ये सब मशीन। अब आपके बात किया जाए कि मटेरियल आप कहाँ से उठाए, तो मटेरियल बहुत से बाज़ारों में ऐसे दुकानें हैं जहाँ पर आपको मटेरियल उधार में भी मिल सकते हैं। पहले आप एक दो बार उससे आप रिश्ता अच्छा से बनाइए, उसके साथ सामान लीजिए, उसके बाद आपको होगा ये कि आप उससे सामान खरीद सकते हैं, उसके बाद उधारी में भी ले सकते हैं, उससे आप बिज़नेस करके फिर से उसको पैसा दीजिए, इस तरह से आप बिज़नेस कर सकते हैं। जी हाँ, आप एक किस्त लीजिए, एक किस्त दीजिए, इस तरह से आप कर सकते हैं वहाँ पे बिज़नेस। आपको उधारी में भी सामान मिल जाएंगे, उस तरह से आप मटेरियल उठा सकते हैं और ग्राहक को बना के आप अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, बात किया जाए इसमें आप कितने कमा सकते हैं, इसमें 30 से 40 हज़ार रुपये आराम से आप कमा सकते हैं। जी हाँ, 30 से 40 हज़ार रुपये आप आराम से कमा सकते हैं इस बिज़नेस में। ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों, ये बिज़नेस आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं बिज़नेस करना तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बशर्ते आपको एक काम अच्छा से करना आना चाहिए, आपके साथ कस्टमर के साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपको सही टाइम पे उसको देना चाहिए। तो ऐसा करने से आपका एक बिज़नेस बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा और आप एक अच्छा कमाई करने वाले बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये आप ही के डिमांड के लिए मैंने बनाया था कि अच्छा बिज़नेस क्या किया जाए, तो ये एक बेहतर बिज़नेस है आप लोगों के लिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।